Hey friends, this is RJ Rahul and you are listening to your favorite show, Gadget Cafe, only on Radio Udaan, a pride of life. Let's explore. Friends, गर्मियाँ आ गई हैं और आप सबको कूलर या एसी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है और इसीलिए सिम्फनी लेकर आया है आप सभी के लिए अपना नया सिम्फनी क्लाउड कूलर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका नाम क्लाउड कूलर इसलिए है क्योंकि ये वॉल माउंटेड है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही स्टाइलिश कूलर है। तो आज हम बात करेंगे इस कूलर की अगर क्यों ये आप तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान पर फिर से आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हेलो हाय, कैसे आप? दिलों की धड़कन ने एंट्री मार ली है और जिंदगी की ऑफ कोर्स यहाँ बातें होती है। और अगर अभी जिंदगी की हलचल की बात करें तो बहुत लोगों की शादियाँ हो चुकी है और ऑफ कोर्स शादी हो रही है। शादी भी एक तरह से जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। एक्चुअली कई लोग जो शादी कर चुके होते हैं वो बैचलर लोगों को ना यही आइडिया देते हैं, यार शादी मत करना, ऐसा होता है वैसा होता है। अगर बाय हार्ट हम सोचे तो सिर्फ अकेली जिंदगी नहीं जी सकती यार, कोई ना कोई लाइफ पार्टनर तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये शादी भी आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है। और शादी से आपकी जिंदगी खूबसूरत तब ही बन सकती है जब आपको सही लाइफ पार्टनर मिले और उसे पहचानने के लिए आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि सामने वाला बंदा हमारे लायक है या नहीं। तो दिमाग लगाइए और इस गाने को सुन के आइए, फिर मैं बताती हूँ आज स्पेशल क्या है जिंदगी खूबसूरत है के शो पर आरजे थड़कन के साथ। मेहंदी है नचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मेहंदी है नचने वाली, हाथ
मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। You are listening to Zeendagi Khubsurat with RJ Thakkar। रेडियो उड़ान पर शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है, तो चलिए ये टाइम होता है विचार कुछ हटके का। तो आज का विचार कुछ ये है कि लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। रेडियो उड़ान पर ये था आज का विचार कुछ हटके। और देखा जाए तो बिल्कुल सही बात कही है कि मोस्टली जो लोग होते हैं सिर्फ किसी से कोई चीज चाहिए या कोई मतलब होता है तभी तक उनका कनेक्शन बना होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सिर्फ बिना मतलब के आप उनकी केयर कर रहे हो, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो या उसे कोई भी जरूरत है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग सिर्फ आपसे मतलब निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आपको कुछ समझना है तो आप अपना पास्ट देखिए, और अगर आपको अपनी सच में जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाए तो अपना फ्यूचर देखिए। और चीजें वही रहती है, बस आपका टाइम चेंज हो जाता है, आपकी सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाइए। इस खूबसूरत से गाने के साथ मैं आपको एक छोड़ रही हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ रेडियो उड़ान पर। स्टे ट्यून्ड। करदा बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए। सभी तंदेसी है अदा, सड़ित हो जानी विदा। नोट लग दी मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी। हम डज कर ले ए, ए, मजा तू मज कर ले।
जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे थलकर। जब भी जोक्स आते हैं तो ज्यादा करके आप देखे होंगे कि पति पत्नी को लेकर ज्यादा कर आते हैं या फिर शादी को लेकर बहुत ज्यादा आते हैं। एक्चुअली ये जोक्स होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं और रियल लाइफ में अप्लाई किए हुए होते हैं। दैट्स व्हाई इसको सुनने के बाद ना हंसी भी आती है। वेल शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है, जहाँ पर ऑफकोर्स जिंदगी की खूबसूरती की बातें होती है और यहाँ पर हम आज शादी की खूबसूरती की बात करेंगे। आज शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जब हम वो सात फेरे लेते हैं, जो वचन हम एक दूसरे को देते हैं उसके क्या मायने होते हैं, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। और बिना सात फेरे के, बिना इन वचनों के शादी अधूरी ही होती है। तो ये जो वचन है उनका क्या अर्थ होता है, वो क्या कहते हैं, उसके बारे में आज बातें करेंगे, क्योंकि शादी का सीजन है भाई। और ये सारी चीजें ऑफ कोर्स हम पढ़े लिखे हैं और हमें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि जनरली कोई नहीं जानता कि आखिर जो भी हम वचन लेने वाले हैं या लिए हैं वो याद भी नहीं रहते, सिर्फ उसी टाइम याद रहते हैं जब पंडित बताता है, वो भी हम सोते सोते सुन लेते हैं क्योंकि इतनी देर तक शादी हुई रहती है, तो बस ये रहता है कि आप जैसे तैसे जल्दी शादी हो जाए। तो उन सात वचनों का क्या महत्व है वो मैं आपको बताती हूँ इस खूबसूरत से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इठलाती हवा नीलम सा गगन कलियों पे बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में ना जाने क्या है कमी। चांदनी सोने
नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। You are listening to the khubsurat with RJ Thakur. रेडियो डान पर फिर से आपका स्वागत है। शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है, आपकी दिलों की धड़कन धड़कने आपके साथ। तो गाइस, चलिए सबसे पहले हम पहले वचन की बात करते हैं। शादी करने वाले लड़के को वर कहा जाता है और शादी कर रही लड़की को वधु कहा जाता है। तो वर वधु को ये वचन देता है कि वह परिवार की सुख सुविधाओं और उनके जीवन यापन से जुड़ी हर चीज उसे उपलब्ध कराएगा, धन से लेकर खाने तक हर चीज। वही वधु भी ये वचन देती है कि परिवार की सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का ध्यान रखेगी, परिवार के लिए कार्य करेगी। तो ये पहला वचन है जो वर वधु एक दूसरे को देते हैं। दूसरा वचन, वर ईश्वर से शक्ति की कामना करता है ताकि वह अपने परिवार और संतान की रक्षा का जिम्मा उठा सके। वह अपनी पत्नी को ये वचन देता है कि ईश्वर की कृपा से ताउम्र परिवार और संतान की सुरक्षा करेगा, परंतु उसके एवज में तुम्हें हमेशा मुझसे और सिर्फ मुझसे ही प्रेम करना होगा और पत्नी के सभी कर्तव्यों को पूरा करना होगा। ये जो वचन है वो वर लेता है और देखा जाए तो ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि वर आता है, उसके बाद संतान आती है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो ये दो वचन थे। अगला वचन क्या कहता है इस गाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। बने रहिए रेडियो उड़ान पर धड़कन के साथ। होगी वन टू टू ओ कुड़िए वन टू टू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी तू एवें उड़ी दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दी आ अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई नी साडी बिग टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नज पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नज पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा
ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਵਰਜਿਨ ਫੈਲ ਕਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਮੇਮਾ ਫਿਰਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਫਿਰੰਗੀ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਭੈਣ शो चल रहा है जिंदगी खूबसूरत है जहाँ पर हम शादी के वचनों की बात कर रहे हैं उनका क्या अर्थ होता है किस तरह से वो हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो गाइस जो तीसरा वचन है उसमें वर ये कहता है कि जब तुम मेरे साथ तीसरा कदम चल चुकी हो तो तुम्हारी उपस्थिति की वजह से हमारी संपत्ति और बढ़ेगी। तुम्हारे अलावा मैं हर स्त्री को अपनी बहन की तरह समझूंगा। हम दोनों मिलकर अपनी संतान को अच्छा और सुखद जीवन प्रदान करेंगे। एग्जैक्टली कहा जाता है कि जब एक वुमेन का हाथ मेन के साथ जुड़ जाता है तो कहीं हद तक किस्मत लक्ष्मी उनके साथ आ जाती है। अगला जो वचन है इस पर वधू ये वचन देती है कि हर कदम पर अपने पति का साथ देगी और मानसिक भावनात्मक और शारीरिक तौर पर सिर्फ अपने पति के प्रति ही जुड़ाव रहेगी। एग्जैक्टली शादी होने के बाद हम पूरे तन मन धन से अपने पति के हो जाते हैं और ये होना भी जरूरी है क्योंकि हम पूरी तरह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लेते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बन जाता है। तो ये थे दो वचन और वचन क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। बालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है, शुभ मंगल Thank you.